रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। यूक्रेन में राजधानी कीव सहित अन्य शहरों में हमले शुरू हो गए हैं, साथ ही रूसी विमान भी यूक्रेन के ऊपर मंडरा रहे हैं। इस बीच भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने गई एयर इंडिया की फ्लाइट वापस दिल्ली लौट रही है। ANI के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1947 यूक्रेन के कीव में NOTAM नोटिस टू एयर मिशन के कारण दिल्ली वापस आ रही है। बता दें कि तमाम भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस भारत लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी भारी संख्या में भारतीय अब वहां फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बेहद तनावपूर्ण हालात बन चुके हैं और पूरी दुनिया की नज़र दोनों देशों पर है। वहीं भारत ने यूक्रेन में रहने वालों भारतीयों को वहां से निकलने के लिए कह दिया था। इस बीच भारत काफी संख्या में लोग लाए भी गए हैं। गुरुवार सुबह ही 182 भारतीय नागरिकों को एक विशेष विमान से नई दिल्ली लाया गया है। भारत में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक विशेष उड़ान राजधानी कीव से दिल्ली हवाई अड्डे पर आज सुबह 7:45 पर छात्रों सहित 182 भारतीय नागरिकों के साथ उतरी है। इससे पहले एक दिन पहले 240 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। हालांकि अभी भी काफी संख्या में लोग वहां फंसे हुए हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।